भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1 अगस्त को विपक्ष की आलोचना करते हुए लोकसभा में किसानों की आत्महत्या के बारे में ये कहा। आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक, आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। निशिकांत दुबे ने ये दावा किया कि पिछले 8 सालों में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा नहीं किया क्योंकि किसानों ने आत्महत्या की ही नहीं थी। लेकिन ये दावा कितना सही है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। निशिकांत दुबे के इस बयान की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने गूगल पर आसान सा कीवर्ड सर्च किया। हमारे सामने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई जो साल 2020 में देश भर में किसानों की खुदकुशी के बारे में थी। इन रिपोर्ट्स में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से डेटा दिया गया है जिसके मुताबिक साल 2020 में देश में 5,579 किसानों ने आत्महत्या की थी। निशिकांत दुबे ने संसद पटल पर यह बयान पिछले 8 सालों का हवाला देकर किया था, यानी कि साल 2014 से साल 2021 तक। गौर करें कि साल 2014 से 2022 यानी कि वर्तमान तक देश में भाजपा की सरकार है। हालांकि एनसीआरबी का डेटा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को सिरे से खारिज करता है। एनसीआरबी की वेबसाइट खंगालने पर हमें पिछले सालों का डेटा मिला। आइए सबसे पहले बात करते हैं साल 2014 की। उस साल कुल 5,650 किसानों ने सुसाइड किया था। वहीं साल 2015 में आत्महत्या के कुल मामलों में से 8,007 किसान थे। ऐसा ही हाल साल 2016 में भी था जब किसान द्वारा सुसाइड के 6,270 मामले सामने आए थे। साल 2017 में 5,955 किसानों ने आत्महत्या की थी। ऐसे ही साल 2018 में आत्महत्या के कुल मामलों में से 5,763 किसान थे। वहीं वर्ष 2019 में किसान द्वारा खुदकुशी के 5,957 मामले सामने आए थे। data.government.in पर भी देश के सभी राज्यों में साल 2018 और 2019 में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के आंकड़े दिए गए हैं। आज तक ने भी 2017 से 2019 के बीच राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों के बारे में खबर पब्लिश की थी जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सुसाइड के मामले सामने आए थे। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पिछले 8 सालों में यानी कि साल 2014 से लेकर साल 2020 तक फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए कुल 78,303 लोगों ने आत्महत्या की थी जिसमें से 43,181 किसान थे। लोकसभा पटल पर निशिकांत दुबे द्वारा किए गए दावों को ये सरकारी आंकड़े साफ तौर पर खारिज करते हैं। संसद में भाजपा सांसद ने बिना किसी रिपोर्ट का हवाला दिए देश में किसानों की आत्महत्या नहीं होने का झूठा दावा किया।